श्रीकांत बस द फूड इज गुड सो आई इनवाइटेड माय ऑल फ्रेंड्स टू गुजू भाई की थाली एंड फूड इज ऑसम नाइस फूड इज वेरी गुड आई हैव विजिटेड सेकंड टाइम विद माय फैमिली दिस फरसान एंड सब्जी इज आल्सो नाइस मुंजू इज नाइस वेलकम बैक टू येट अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फूड व्लॉग टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अलका और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट ऑथेंटिक गुजराती डिशेस दिखाने वाली हूँ थोड़ी सी यूनिक मतलब बनती तो हर घर में है बट अगर आप बाहर खाने जाओ तो आपको कॉमनली मिलेंगी नहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिलता है दादी मानू खिचू तो ये जो डिश है मैंने फर्स्ट टाइम खाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ऐसी ही कुछ और डिशेस है चाट यहाँ पे है अलाकाट है वैसे तो इसका नाम है गुजू भाई ने थाली पर यहाँ पे थाली के अलावा आपको अलाकाट स्नैक्स भी मिल जाएंगे और चाट भी मिल जाएगी जो कि आपको यूजुअली दूसरे थाली रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है तो अगर आप जैसे कोई ग्रुप में आ रहे हो किसी को थाली खानी है किसी को अलाकाट ऑर्डर करना है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है तो लेके चलती हूँ अंदर ये सारा कुछ दिखाती हूँ थाली में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है जो ऑथेंटिक गुजराती थाली होती है वो मिलती है और अंदर जाने से पहले आपको लोकेशन बता देती हूँ सो दिस इज़ गुजू भाई ने थाली मेरे राइट हैंड साइड पे है कैम्प्स कॉर्नर एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है कम्बाला हिल हॉस्पिटल तो बिल्कुल उसके बीच की जो लेन है उस लेन में आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा तो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर एम्बियंस कैसा है और क्राउड को क्या क्या चीज़ें पसंद आती है लेट्स गो इनसाइड नमस्ते गुजू भाई थाली वन एंड हाफ ईयर ओल्ड है यहाँ पे बेसिक हमारा चालू करने का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे गुजराती पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पे करके सो दैट्स व्हाई वी सर्व नॉर्मल थाली आल्सो एंड जैन भी ऑप्शंस अवेलेबल है गुजू भाई ने थाली खाने के लिए हम आ तो गए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट क्या है ना थोड़ा सा जल्दी हम लोग आ गए अभी थाली स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको थाली के अलावा भी मिलेंगी तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले इन्हीं से स्टार्ट किया जाए तो कुछ स्नैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो थोड़े से अलग होते हैं स्पेशल गुजू स्नैक्स है तो ये फर्स्ट में ट्राई करने वाली हूँ भेल सो दिस इज स्पेशल भेल विदाउट मुरमुरा इसके अंदर है ना ये काफी सारी कुछ अलग अलग चीजें डाली हुई दिखाई दे रही है मुझे पहले टेस्ट करती हूँ बहुत जोर से भूख लगी क्योंकि नाश्ता भी सुबह जल्दी किया था फिर आपको बताती हूँ कैसा है इस भेल में ना अलग अलग तरह के वो सेव तीखे और पतले लंबे मोटे सेव गाटिया वो सारी चीजें अलग अलग तरह की इसमें डाली हुई है कांदा डाला हुआ है चटनीज डाली है जिसकी वजह से ना वो हल्का सा ना तीखा हल्का सा मीठा ऐसा मिक्स टेस्ट इसमें आ रहा है जिंजर गार्लिक इसमें डाला हुआ है जिसकी बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू आ रही है इसके अंदर सो भेल में जिंजर गार्लिक डाला हुआ है सो इफ यू लाइक दैट आप इसको ट्राई कर सकते हो अच्छा इसी भेल को ना दही के साथ भी सर्व किया जाता है तो ये ऊपर इसमें दही डाला है एंड दही डालने के बाद में अगेन फिर से चटनीज डाली है सेव डाले हुए हैं बारीक वाले इसका एक बाइट लेते हैं सेम प्रेपरेशन मगर चिल्ड दही है और चटनी जिसमें ज़्यादा डाली हुई है उससे पहले वाले से एंड दिस इज बेटर देन द फर्स्ट वन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक स्वीट है दही हल्का सा सो अगेन मिक्स्ड फ्लेवर्स और वो जो जिंजर गार्लिक की खुशबू उसमें आ रही थी वो इसमें थोड़ी सी कम है बिकॉज चटनी एंड दही ज़्यादा है गुजराती थाली ऐसी रहती है डिफरेंट ऑफ सब्जी की लेकिन हम पहले भी एक बार आए हुए थे तो टेस्ट वॉज गुड सो वी डिसाइडेड टू कम हियर एंड फरसान एंड एवरीथिंग स्वीट्स वेर ऑल्सो गुड सो नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ ये ब्रेड कट का दिस इज अगेन शेफ स्पेशल जो गुजू भाई ने थाली में मिलता है और ये ब्रेड कट का जैसी कोई चीज पहले कभी सुनी तो नहीं है देखने में ऐसा पता चल रहा है कि ब्रेड है इसमें एंड वही कुछ चाट में जैसे चटनीज एंड सेव डाले जाते हैं तो वैसे सारा कुछ डाला हुआ है एक बाइट इसका भी लेती हूँ एंड आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है दही इसके अंदर डाला हुआ है अगेन चिल्ड एंड मीठा दही एंड चटनी से कॉम्बिनेशन की वैसे वो अगेन यू नो प्रॉपर एकदम जो चाट होती है ना वैसा वाला उसका टेस्ट है कुछ आलू का मसाला भी इसमें डाला हुआ है सो आई लाइक दिस बेटर देन दैट बेल दोनों का अपना अपना अलग अलग स्वाद है हल्का सा जिंजर गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर भी मुझे आ रहा है सी लास्ट टाइम वी एट समथिंग लाइक स्पेशल खिचू इसके बाद में हम ट्राई करने वाले जिस दादी मानू खिचू तो ये एक अलग ही डिश है जो मैंने शायद एक आध बार ही पहले खाई है और मुझे पता है कि घर में ना एकदम फटाफट से बनने वाली चीज़ है ये इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी सो ये बनाई जाती है चावल के आटे से एंड पापड़ खार भी इसमें डाली जाती है काफ़ी सारा घी दिखाई दे रहा है ऊपर एंड आई कैन सी रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन इट थोड़ा सा पहले ट्राई करूँगी
जीरा का तड़का, जिसकी वजह से ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है फर्स्ट डे बाइट में। स्पेशली आई लव दिस बिकॉज ऑफ द घी, घी का अमेजिंग फ्लेवर, बिकॉज मुझे वैसे भी घी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बहुत ही सिंपल मगर डिलीशियस डिश है ये। जैसे अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हों, आप साथ में लेकर आ रहे हो बच्चे को, तो ये चीज़ आप खिला सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है एंड होलसम, रियली गुड। फर्स्ट टाइम मैंने आज इन्हें प्रॉपरली ट्राई की है, पहले जो ट्राई की थी वो कुछ समझ में नहीं आई थी, तो ये मुझे अच्छी लगी। सब अच्छा है, हॉस्पिटलिटी अच्छा है, लेकिन खाना भी अच्छा। वी हैव स्टार्टेड विद आला कार्ट ऑल्सो, देन स्नैक्स है, फॉर ट्रैवलिंग यू कैन ऑप्ट फॉर एग्जीक्यूटिव बॉक्सेस है हमारे करके, सो यू कैन कम एंड हैव फन ओवर हियर। एंड वी ऑर्गेनाइज पार्टीज ऑल्सो एंड किटी पार्टीज ऑल्सो। लास्ट टाइम यू हैव ऑर्डर थाली ऑल्सो, दैट बैगन का भरता एंड बाजरे की रोटी इज़ वेरी गुड। गुजू भाई ने थाली में रिसेंटली आला कार्ट भी शुरू किया है, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने ले ली है, जो जब तक हमारी थाली बनती है तब तक हम तीन चार लोग जो बैठे हैं तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। बाजरे का रोटला, इसके साथ में सर्व किया है बैंगन का भरता, वाओ बहुत ही टेंटिंग लग रहा है। चार छोटे छोटे बाजरे के रोटले दिए हुए हैं, ऊपर घी डाला है अच्छे से, उसको लेती हूँ। सुपर, बहुत टेस्टी भरता, स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निश किया हुआ है और देखने में काफी टेम्पटिंग लग रहा है। वाओ, बहुत ही यमी बैंगन का भरता है ये, एकदम होममेड वाली फील आ रही है इसके अंदर। मतलब जिस दिन किसी दिन अच्छा वाला बैंगन का भरता बन जाएगा ना, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है, फीका भी नहीं, इट इज़ मीडियम स्पाइसी। एंड ऊपर ये जो स्प्रिंग अनियंस डाले हैं ये भी अच्छे लग रहे हैं खाने में। इसके साथ में ना यहाँ पे फाइनली चॉप्ड ऑनियंस दिए हैं, एंड ऊपर है ना हल्का सा आई थिंक रेड चिली पाउडर या वो लहसुन चटनी होती है ना ड्राई वाली, वो डाली हुई है। एंड गुड़ भी सर्व किया जाता है साथ में। तो यूजुअली जैसे बाजरे का रोटला होता है ना, उसके साथ में गुड़ भी खाते हैं बहुत सारे लोग, पसंद करते हैं। तो आप चाहो तो गुड़ लास्ट में खा लो या बाजरे के रोटले के साथ खा लो, बहुत ही यमी है, एकदम अमेजिंग डिश है ये। सो नेक्स्ट इज दिस आमरस विद पूरी, दो दिस इज अ सीजनल थिंग, पर यहाँ पे आपको अभी अवेलेबल हो जाएगी। तो प्रॉब्ली फ्रोजन मैंगो से ही ये बनाया गया है, बट आमरस पूरी को देख के कोई कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। सो एक बाइट फटाफट से लेते हैं। यमी, एकदम चिल्ड आमरस है, उसके साथ में पूरी वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। आप आमरस पूरी खाना पसंद करते हो क्या, मुझे कमेंट्स में बताना। आमरस पूरी इज ऑल्सो वेरी गुड। और लास्ट में हम ट्राई करने वाले दही भल्ला या दही वड़ा भी आप इसको बोलते हो। वाओ, दिस इज सो सॉफ्ट, जैसे ही मैंने स्पून रखा ना ये वैसे ही कट गया। एंड उसके ऊपर आई कैन सी रेगुलर जैसे चटनीज डालते हैं ना, तीखी वाली एंड मीठी वाली। दिस दही वड़ा इज मेल्ट इन द माउथ, इतना ज़्यादा डिलीशियस, चटनीज एकदम फ्लेवरफुल, मीठी और तीखी दोनों ही बहुत बढ़िया, स्वीट एंड चिल्ड दही। तो इन सब में से ना जो मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूँगी ना, खींचू, दादी मानू खींचू, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम खाया बहुत ही बढ़िया था। बैगन भरता है सुपर अमेजिंग, दही वड़ा भी एंड आमरस पूरी भी। सो आला कार्ट पे भी आपको अलग अलग चीज़ों के कॉम्बोज बना के मिल जाएंगे, जैसे कि दाल ढोकली विद पापड़ कचुंबर एंड छास, पाव भाजी विद बिरयानी एंड गुलाब जामुन, एंड देयर इज उंधियो पूरी प्लस केसर श्रीखंड विच इज सीजनल ऑफकोर्स बिकॉज उंधियो इज सीजन, थेपला आलू सब्जी मिर्ची ऐसे सारी चीज़ें। एंड टेक होम पार्सल भी आपको 1 kg के हिसाब से भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ढोकला, उंधियो, आलू सब्जी ऑफ द डे, तीखा दाल, गुजराती कढ़ी, पुलाव, केसर श्रीखंड, जलेबी, फाफड़ा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिस टाइम वी हैव ऑर्डर्ड दिस थाली। स्नैक्स और आला कार्ट में तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ही यम्मी थी। पर आए तो थे हम गुजू भाई ने थाली ट्राई करने के लिए, तो इसके लिए थाली भी हमने मंगवा ही ली है। तो ये देखिए काफ़ी सारे आइटम, आई थिंक ऑलमोस्ट 22 आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ सेव कमली से, जो फरसान में इन्होंने सर्व किया है। तो यूजुअली जब आप गुजराती थाली खाने जाते हो तो शुरू में जो सर्व करते हैं जिसे हम स्टार्टर्स बोलते हैं, तो गुजराती फरसान सर्व करते हैं। सो ये है सेव खमनी, विच इज समथिंग दैट इज नॉट यूजुअली अवेलेबल, यू नो, कॉमनली अवेलेबल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई।
हल्के से टैंगी, जैसे सेव कम नहीं होती है, एक्चुअली क्रम्बल ढोकला जैसा टेक्सचर होता है, वैसे ही है। टेस्ट इज ऑथेंटिक, सेव डाली होती है ऊपर से थोड़ी सी। नेक्स्ट इज मूंग दाल कचौरी। तो ये कचौरी काफी गर्म है और देखने से ऐसा लग रहा है ना, नरम टेम्पटिंग लग रही है। कवर एकदम खस्ता है इसका, और जो स्टफिंग है ना, हल्की सी स्पाइसी, हल्की सी तीखी, हल्की सी मीठी, एकदम मिक्स्ड फ्लेवर्स है, नाइस। तो साथ में खाने के लिए चटनीज भी दी हुई है, ग्रीन चटनी है एंड दिस सीम्स टू बी लाइक द मीठी चटनी, सैलेड है उसमें बीट एंड ककुम्बर, एंड ऑल्सो अचार दिया हुआ है। एंड इसके बाद में ना ऐसी चीज़ें दिख रही है ना जो मुझे बहुत टेम्प्ट हो रहा है कि मैं पहले ही खा लूँ, जैसे कि गुलाब जामुन है, दिस श्रीखंड ऑल्सो, जो कुछ अलग है, क्या अलग है वो जब खाऊंगी तब बताऊंगी। बट स्टार्ट करती हूँ मेन कोर्स से। सो इसमें जो सब्जी है ना, आज की स्पेशल सब्जी है ऊंधियो। सो ऊंधियो ऐसा है ना, सीजन स्पेशल आज सर्व किया है। डेली जो इनका मेन्यू है वो चेंज होता है, दोपहर को अलग मेन्यू होता है एंड शाम को अलग मेन्यू होता है इनका। तो चलो पूरी के साथ में ऊंधियो खाते हैं। तो दिस इज अ मिक्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स। ये देखिए मेथी की मुठिया इसमें दिखाई दे रही है, जो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। फिर उसमें डाली जाती है पापड़ी, तुअर की फली में जो बीन्स होता है ना वो होता है, और वो ही सीजनल होता है। एंड देन देयर आर छोटे वाले बैंगन, मटर है इसमें, तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है। सो उसे ट्राई करेंगे। हल्का सा स्वीट ऊंधियो ऐसे ही होता है, हल्का सा स्वीट ही होता है। तो ऊपर से इसमें स्वीटनेस डालने के लिए कुछ ऐड नहीं करते, लाइक शुगर और समथिंग। इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, जो वेजिटेबल्स इसमें डाले जाते हैं, कंद होता है, स्वीट पोटैटो होता है, तो उसकी जो स्वीटनेस होती है ना, उसकी वजह से ये स्वीट होता है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ, यहाँ पे दिए हैं काले चने, पूरी के साथ में खा के देखेंगे। काबुली चना है एक्चुअली ये, तो इट इज प्रॉपरली कुक्ड, एकदम अंदर तक बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, और थिक मसाला है इसका, जैसे पतली वाली करी नहीं है। सो नेक्स्ट इज दिस आलू की सब्जी, फुलके के साथ में खाऊंगी। तो फुलके भी एकदम अच्छे छोटे पतले पतले फुलके घी लगा के दिया है, एंड आलू देखिए ना एकदम अच्छे से गला हुआ है। एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे गुजराती थालीज में देखा है ना, आलू टमाटर रस्सा होता है, सो उसमें थोड़ी सी मटर भी डाली होती है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि आलू मटर की सब्जी एंड मटर उसमें कम है, आलू ज़्यादा है, बट अभी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है ना कि आलू टमाटर की ही सब्जी होती है, बट थोड़े से मटर ऊपर से डाल दिए जाते हैं। जैसे हल्के से टैंगी, बिकॉज टमाटर है तो वो टैंगीनेस तो आएगा ही। होम स्टाइल सब्जी, एक्चुअली मोस्ट ऑफ सब्जीज नो, मोस्ट ऑफ द क्या सारी सब्जीज होम स्टाइल ही है, रेस्टोरेंट वाला फीलिंग इसके अंदर नहीं है। तो मुझे है ना किसी भी चीज़ में जब हम आलू डालते हैं ना, चाहे वो करी वाली सब्जी हो या वो फ्राई सब्जी हो, पर आलू थोड़ा सा जब ओवर कुक होता है ना तो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो बताना मुझे। तो नेक्स्ट इज पनीर की सब्जी। सो लाइक एवरीथिंग गुजराती, बट एक पनीर की डिश तो यूजुअली आप कहीं भी जाओ ना, साउथ इंडियन थाली खा लो, गुजराती थाली खा लो, एंड आजकल तो महाराष्ट्रियन थाली भी खा लो, बट एक पनीर की डिश तो उसमें रखी ही जाती है, तो यहाँ पे भी रखी हुई है। डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पे पनीर के कोफ्ते हैं, सो पनीर का क्यूब भी है इसके अंदर छोटा सा, बट पनीर के कोफ्ते की सब्जी है, और सो जलजीरा दिया हुआ है एज अ वेलकम ड्रिंक, तो आप चाहो तो वो भी पहले ले सकते हो। और यहाँ पे ना बर्थडे पार्टी चल रही है, तो उन्होंने मुझे ये बर्थडे का अपने केक दिया हुआ है। सो मेरी थाली में दो तीन चीज़ें और भी ऐड हो गई है। तो आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस, किटी पार्टी एंड यू नो छोटे मोटे गेट टुगेदर्स, फैमिली फंक्शंस भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हो। आपको जो नंबर दिया उस पर आप कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हो। खिचड़ी कढ़ी इज नाइस, रोटली एंड जुवार की रोटली nice for everything is nice. ज्वारी की यहाँ पे छोटी सी क्यूट सी रोटी दी है, तो आप चाहो तो ज्वारी की रोटी के साथ भी खा सकते हो। फिलहाल अभी हम ट्राई करने वाले हैं दाल राइस। सो यहाँ पे गुजराती दाल दी हुई है चावल के साथ में। दिस इज मीठी दाल, सूरती दाल मीठी होती है यूजुअली, और साथ में तीखी वाली दाल भी है, वो भी खा के देखते हैं। एकदम थिक दाल है, ऐसे वाटरी टाइप की दाल नहीं है। दिस दाल टेस्ट गुड, मुझे मीठी से ज़्यादा तीखी दाल पसंद है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे भी। सो दिस इज़ अनलिमिटेड थाली, आप जो चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार उसका रिफिल ले सकते हो। तो चार तरह की सब्जियाँ, तीन तरह की दाल एंड कढ़ी, दो तरह के स्वीट्स छाछ जलजीरा, तीन तरह के रोटी, दो तरह के फरसान, जो यूजली जैसे गुजराती थाली में होते हैं उसी तरीके के हैं सारे। या आप ग्रुप में आए हो और आपको कुछ अलग से ऑर्डर करना है ना, स्पेशल स्पेशली गुज्जू स्नैक और गुज्जू अलग का डिश, यू नो कुछ आपको ऑर्डर करनी है, बच्चे हैं उनको कुछ और खाना है,
तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। एम्बियंस देखोगे ना तो इट इज क्वाइट एलिगेंट, एकदम डिसेंट टाइप ऑफ अ सेटिंग है विद गुड इंटीरियर्स एंड लैम्प्स लगे हुए पूरे में, तो एकदम यू नो रिलैक्सिंग वाइब है। द सर्विस इज एफिशिएंट और यूजुअली आप कहीं भी ऐसे थालीज खाने जाओगे ना तो आपको एकदम यू नो कोर्टियर्स एंड अच्छी सी हॉस्पिटैलिटी मिल जाती है, बार बार आपको सर्व किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी किया गया है। सो नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं ये गुजराती कड़ी विद खिचड़ी। खिचड़ी की जो कंसिस्टेंसी है थिन है, यूजुअली होती है बिल्कुल वैसी ही। चलो कड़ी के साथ में स्वाद लेते हैं। हल्की सी मीठी कड़ी है, मेथी दाने का तड़का है, हींग है एंड लौंग की फ्लेवर है। तो कड़ी खिचड़ी का कॉम्बिनेशन जो होता है, कहीं भी आप अगर गुजराती खाना खाने जाओगे तो आपको कड़ी खिचड़ी यूजुअली मिलेगी। बाकी आप अलग से खाना चाहो तो यहाँ पे कॉम्बोज में भी मिल जाती है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। सो इस थाली की प्राइस जो है डिटेल्स वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ वीकडेज एंड वीकेंड्स की, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो अब नेक्स्ट बारी आई है स्वीट्स की, सो लेट्स ट्राई द स्वीट्स। स्वीट्स में आज यहाँ पे दिया हुआ है श्रीखंड, सो लेट्स ट्राई द श्रीखंड विद द पूरी। बहुत ही स्मूथ श्रीखंड दिखाई दे रहा है, देखिए दिस इज मैंगो श्रीखंड, बहुत ही यमी। पूरी के साथ में तो वैसे भी श्रीखंड अच्छा ही लगता है, टू गुड। एंड दाल कढ़ी एज यूजुअल एंड मैंगो श्रीखंड इज नाइस। सेकेंड जो स्वीट सर्व किया दैट इज गुलाब जामुन, सुपर्ब। उसका टेक्सचर है ना ग्रेनी, उसकी वजह से इतना रिच फील आ रहा है ना गुलाब जामुन का, सुपर डिलीशियस, बहुत ही यमी। वैसे भी स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैं प्रपोर्शन बहुत कम खाती हूँ एज कम्पेयर टू द अदर मील। सो गुलाब जामुन मुझे पहले ही पता था अच्छा है, इसलिए मैंने शुरू में ही दो ले लिए थे। द प्राइसेस ऑफ थालीज आर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, द चार्जेस आर 499 एंड ऑन सैटरडे संडे वी सर्व एट 649 एंड फॉर एग्जीक्यूटिव बॉक्स इट इज़ फॉर 275। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे अच्छी डिश जो मुझे आज लगी है, स्टार्टिंग में जो मैंने खाया खींचू मुझे बहुत पसंद आया, देन बैगन का भरता एंड ऑल्सो दही वड़ा वॉज सुपर्ब। I should say the best in Mumbai, you know, the best dahi vada in Mumbai. And uske baad thali mein, the best thing that I liked, mango shrikhand and gulab jamun. And baaki jo sari cheeze hai na, sari home style food hai. Kuch bhi restaurant style ka nahi hai. The seating is elegant, decent. Agar aap group of people bhi aa rahe ho, to aaram se yahan pe enjoy karke ja sakte ho. You know, chote mote functions, jaise maine aapko pehle bataya. सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि आज के पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छी खाने की चीज़ कौन सी लग रही है, कौन सी चीज़ देख के मुँह में पानी आ गया वो ज़रूर मुझे बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वैसी चीज़ें और ज़्यादा शूट कर सकूँ। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने गुजराती फूड लवर्स एंड नॉन गुजराती फूड लवर्स के साथ। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे अमेजिंग इंडियन रीजनल फूड के कंटेंट के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।